43 रुपीज़ की। पापड़ ऐसी चीज़ है जो रोज मर्रा जिंदगी में लगते रहता। पापड़ लीजिए, पापड़ कितना किलो आ रहा है? 7 किलो। 7 किलो कितने में आ गया? 7 किलो आ रहा है 560 रुपये। चलो अच्छा है, ले लेता हूँ। जुम्मा बरकत मुबारक। बहुत बहुत आप सबको हमारी पूरी फैमिली तरफ से जुम्मा मुबारक। इतनी अच्छी हुई माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह का डेजर्ट बना के खाएंगे ना, आइसक्रीम भूल जाएंगे जब ये बना के खाएंगे। ऐसा है क्या बात है, इतनी तारीफ करू का मुंह में डालते पूरा मुंह भर जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह अच्छे होंगे और आप सबकी दुआ से हम सब भी बहुत अच्छे से। मॉर्निंग हो गई हमारी और मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। तो देखिए नाश्ते में क्या बन रहा है। आज बन रहे गर्मा गर्म पराठे, देसी घी के पराठे, होममेड देसी घी। ये हमारे गर्मा गर्म देसी घी के पराठे बन रहे हैं और हम लोग खाएंगे चाय के साथ। आज नाश्ते में स्पेशल देसी घी का चाय पराठा। हाँ, बहुत दिन से पराठा नहीं बनाई थी ना, तो आज चाय पराठा खाएंगे। माशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि हमारे आफरीन ने जो बनाती घर में ना घी, उसका हम लोग पराठा बनाए खाते हैं। घी तो मैं बाहर से लाती भी नहीं हूँ, जो हमारा घर में मलाई निकलती है वही जमा के मैं घी बना देती हूँ। इसकी रेसिपी डाल चुके हम लोग, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, है ना। एक महीने की घी मलाई जमा हो जाती है ना, फिर उससे मैं 1 किलो घी बना लेती हूँ। माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे पराठे भी ट्रायंगल पराठे हमारे तैयार हो गए। सैफन सोया है, अभी सो के उठेगा, बच्चे सब एक एक करके मुंह धो रहे, जब तक मैं अपना चाय पराठा बना के रेडी कर दूँ। तो नाश्ता वगैरह हो गया हमारा, नाश्ता करने के बाद अभी मैं जा रही हूँ डी मार्ट, क्योंकि घर का थोड़ा बहुत सामान खत्म हो गया है वही लेने जा रही हूँ। तो आप लोगों को भी लेके चलती हूँ डी मार्ट में। तो डी मार्ट में क्या क्या लेते हैं आपको दिखाते हैं, रोजमर्रा जिंदगी का जो सामान है वही खत्म होता है वो लेने जाते हैं। सही बात है कि नहीं? चलो फिर साथ में चलो निकल। चलो चलते फिर अभी। आज जरा गर्दी में खाली है, हाँ, क्योंकि सैटरडे संडे के दिन आएंगे ना, तो सैटरडे संडे के दिन बहुत ज़्यादा गर्दी रहती है। सैटरडे संडे हम लोग भी नहीं आते, क्योंकि संडे सैटरडे छुट्टी रहती है पब्लिक की, तो वो लोग ज़्यादा आते, ऑफिस वाले हैं, वर्क वाले, जॉब वाले, सैटरडे संडे में ज़्यादा आते। अभी हम लोग को क्या है, हाउस वाइफ है, जब मन किया उठ जाए, आज खाली है तो फटाफट लेके निकल जाएंगे, है ना। नारियल 43। नारियल महंगा है क्या? कम कम नमक रहेगा तो लेंगे तो नहीं लेंगे। चिक्की ये चिक्की सैफन की, सैफन की चिक्की सरबत की, अच्छी चिक्की सैफन बहुत सॉफ्ट खाता है। ये ले ये अच्छा है, कौन सा ले रही? ये चिप्स ले रही और ये ले रही भुजिया। चलो दे अमूल बटर। देना ये अंडे स्पून। हाँ वो भी लेना ले लो। ये पूरा अपन ले लिया ना, पूरा कंडेंस मिल्क और फ्रेश क्रीम ना, अभी ये इस्तेमाल करेंगे अभी।
अमूल का तो नहीं, ये ले लिए भी अच्छा है। पापड़ ऐसी चीज है जो रोज मजा जिंदगी में लगते रहता। पापड़ लीजिए, पापड़ लीजिए, पापड़ साबुन साबुन ले। अच्छा फेस वॉश अच्छा लग रहा। तुलसी टर्मरिक अच्छा। कितना किलो आ रहा है? 7 किलो। 7 किलो कितने में आ गया? 7 किलो आ रहा है 560 रुपये। चलो अच्छा है, ले लेता हूँ। तेल सब महंगा हो गया है। हो गया शॉपिंग? शॉपिंग हो गई, चलते हैं। चलो ना होते ही भाई, दो दो थैली भर गई अपनी। चलो चलो ले लिए सामान, अभी चलते जल्दी से घर पे। स्टेफान का भी स्कूल का टाइम हो रहा है। गाड़ी कहाँ खड़े की है? डी मार्ट के सामान का ऐसा है ना, अगर जो चाहिए आपको घर पे लिस्ट बना के लेके आओ, यहाँ पे आएंगे तो जो सामान देंगे उसको देख के दिल मचल जाता है और बिल बढ़ते रहता है। शैतान का घर है। जो चाहिए घर से लिस्ट बना के आओ और अपना जो जरूरत का सामान ही लो। देखो ना चाहते हो, दो थैली भर गई। हाँ मैं लिस्ट लेकर आई थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह डी मार्ट जाके आ गए हम लोग। डी मार्ट गए थे जो सामान लेना था वो लेकर आ गए हैं। कहते सफाई को भी अभी स्कूल का टाइम हो रहा है, उसको भेजना है, नमाज पढ़ने जाना है मेरे शौहर को, बच्चों को। सरफ ख़त्म हो गया था, सरफ ले लिए, शक्कर वगैरह सब सामान लेकर आई हूँ। एंड वॉच एडिटॉल, और ये तो अब जैसे हम लोग फूस बनाते हैं उसके लिए तो ये ज़रूरी लगता ही है। हम लोग का फूस जो है ना वो हफ्ते में एक बार तो बनता ही है। हम लोग गुड़ और नारियल डी मार्ट से लेकर ही आते हैं ना, लेकर ही आते जब जाएंगे। जब नहीं भी लाएंगे तो यहाँ से ले लेते सामने बनिया की दुकान से, पर डी मार्ट जाएंगे तो वो लेना ज़रूरी है हम लोग। बाकी घर के छोटे मोटे सामान जो है वही है, फेस वॉश वगैरह है, साबुन है, चाय पत्ती। हमें हम लोग यही चाय पत्ती यूज करते हैं सोसाइटी, इससे हम लोग को कड़क चाय लगती है ना तो यही लेते हैं हम लोग। एक नंबर चाय आपने। और बाकी आज जो रेसिपी बनने वाली है उसके लिए मुझे चाहिए थे क्रीम और मिल्क मेड वगैरह, वो सब ले ली हूँ। अब क्या बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, है ना। चलो आ गया पूरा सामान हमारा। और ये आते आते से हम लोग ये भी ले लिए सीताफल, क्योंकि इसी से मैं बनाने वाली हूँ जो रेसिपी बनने वाली है, आज इसी की बनने वाली है। सही बात है। ये देखिए ये आइटम ले लिए तो इसका आज रेसिपी बनेगा। आप लोग बताओ ये इस करके क्या बनेगा। हाँ इसका ही डेजर्ट बनाने वाली हूँ मैं। ये देखिए ये सब इसके आइटम है। चलो अभी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, और जुम्मा पढ़ के आएंगे तो फिर सबको भूख लगती है, जल्दी जल्दी खाना बना। आज तो जुम्मा स्पेशल हमारे गांव की तारी नहीं बनेगी, आज सालन बनेगा। आज सालन बनेगा। हाँ क्या बोलते हैं ये सीताफल का आइटम बनने वाला है। तो वही आज मैं तारी नहीं बनाऊंगी, आज मैं ये बनाऊंगी सालन। ठीक है, सब आप लोगों को दिखाती हूँ क्या करती हूँ क्या नहीं। चलो अभी मिलते हैं बाद में आप लोग। जुम्मा है, टाइम बहुत कम है, रेडी होना है सबको नमाज के लिए। आप हाँ तो फिर नमाज पढ़ के आपको मुलाकात करते हैं। चल बता बता बता। मैंने इसको साफ करा ना तो भालू का शेप बदल गया। ये आंखें और ये नाक है और ये मुंह है। बता। अरे हाँ यार भालू वाला नारियल। आंख नाक सही में यार, और ऊपर मुंह दिखा उसको ऊपर का थोड़ा सी। हाँ यार एकदम सही बोल रहा है। क्या बात है, तुमने साफ किया उसको भालू बना दिया। तो चलो सैफान भी हो गया रेडी, मेरे शोर भी हो गया रेडी, दोनों जा रहे बाप बेटा। ये जाएगा स्कूल, वो जाएंगे नमाज पढ़ने। मैं जाऊंगा जुम्मा की नमाज पढ़ने, अस्सलाम वालेकुम पहले चले गए, मुझे इसको स्कूल छोड़ के फिर आना है। मैं दूसरी जमात पढ़ यहाँ पे दो जमात होती है, कौन सी मस्जिद तो बिलाल मस्जिद पे दो जमात होती है, एक 1:30 बजे की एक 2 बजे की। इसका पेपर है 2 बजे का, इसको छोड़ के फिर मैं बिलाल मस्जिद में आऊंगा, दूसरी जमात पढ़ूंगा। बच्चे पहले चले गए पहली जमात। नमाज के टाइम पे इसकी स्कूल का टाइमिंग है तो किसी ने एडजस्ट करना पड़ेगा ना थोड़ा। क्या बोलते चलो नमाज के बाद मिलता है इंशाल्लाह। मैं भी पका लूँ, जल्दी पका लूँ, फिर नमाज पढ़ के आएंगे तो मेरे को भूख लगती है ना। अल्लाह हाफिज़ बेटा। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ, मेरे शौहर गोश्त लाकर देकर गए थे तो खाना बन रहा है। यहाँ पर आलू गोश्त का सालन है, देखिए मस्त मैं गोश्त का सालन बना दूंगी और गरम गरम स्टीम राइस के साथ खाएंगे हम लोग, क्योंकि नमाज पढ़ के आएंगे वैसे सबको भूख लगती है। उन लोग आने से पहला मैं भी खाना बना के नहा धो के रेडी होती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ।
माशाल्लाह नमाज हो गई हमारी और मेरे शोहर भी मेरे बच्चे भी पढ़ के आ गए। तो आज जुम्मा है तो आप सभी लोगों को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक। बहुत बहुत आप सबको हमारी पूरी फैमिली की तरफ से जुम्मा मुबारक हो। जुम्मा मुबारक। आप सबको ही मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक। हाँ चलो अभी खाना भी बन गया है, भूख भी लग रही है, अभी हम लोग खाना खा लेते। जुम्मा की नमाज के बाद तो बहुत जोर की भूख लगती है, अच्छा कितना जल्दी उतना ही खाना खा लीजिए बाबा। बताइए आप लोगों को मैंने क्या बनाई है ना, तो अभी निकालते हैं फिर। माशाल्लाह बैठ गए हम लोग खाना खाने के लिए। जैसे कि बताइए आप लोगों को आलू गोश्त का सालन और चावल। आफरीन, आलू गोश्त का सालन बहुत अच्छा बनाती है, इसकी रेसिपी हमने बनाने डाल चुके हैं। आप लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया, उसको देख के आप लोग बनाओ बहुत मजा आएगा। ये देखो मैं पराठे के साथ पराठा सालन खाऊंगा, तो सुबह का पराठा है जो हम लोग सुबह चाय पराठे खाए थे, एक पराठा बच गया था हमारा, मैं खा लूंगा सालन के साथ, है ना। तो ये भी आलू पराठे का सालन पराठा खाता हूँ, आपको टेस्ट करके बताता हूँ कैसा बनाइए। बहुत अच्छा बनता है, इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड है। एकदम जूसी जूसी बना और बहुत टेस्टी बना, एक निवाले में मतलब मन खुश हो गया। आप लोग भी आज से बनाओ, फिर भी खा के मिलता हूँ। चलो खा लेते, भूख बहुत लगी, खा के मिलते। तो अल्हम्दुलिल्लाह खाना वगैरह खा लिए हम लोग। खाना खाने के बाद मेरे शोहर और हसन भी चले गए काम से और मैं बैठ गई अपना रेसिपी बनाने के लिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताई, आज हम मैं बनाने वाली हूँ सीताफल क्रीम। हाँ, बहुत दिनों से सीताफल क्रीम बनाने का था। सीताफल तो आ रहे थे घर में मगर खा के ख़त्म कर देते थे बच्चे, ऐसे ही खा लेते थे। और आज मैं बोली शोहर को लेकर आओ तो हम लोग बनाएंगे और रेसिपी भी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए सीताफल क्रीम बनाने के लिए देखिए क्या क्या लगेगा हमें। तो यहाँ पर लगेंगे सीताफल, तो ये इसमें से मैं चार बड़े सीताफल लूँगी, चार सीताफल से मैं बनाऊँगी। बड़े बड़े साइज़ के हमारे सीताफल इसलिए छोटे रहेंगे, तो छः ले लेना, सात ले लेना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ली हूँ दो क्रीम, तो ये 250 ml का एक एक है, ये मैंने दो क्रीम ले ली हूँ। आप लोग अमूल फ्रेश क्रीम भी ले सकते हैं, मगर ये अमूल क्रीम से भी महंगा है, मिल्की मिस्ट ये भी अच्छी है। ये तो ये मैंने दो पैकेट ले ली हूँ और इसी के साथ मैंने कंडेंस मिल्क ली हूँ। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम क्रीम फेंट लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए यहाँ पर जो क्रीम है ना वो एक बाउल में निकाल लेंगे, क्योंकि हमें इसको फेंटना है। बिस्मिल्लाह, ये पूरा दोनों पैकेट में निकाल के बाउल में आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए एक पैकेट मैंने निकाल ली हूँ और ये दूसरा वाला भी निकाल देती हूँ। और ये वाली क्रीम माशाल्लाह बहुत ही अच्छी है, एकदम ठीक है, देखो इसी तरह की हमें चाहिए क्रीम। तो ये डिमांड में आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैंने सारी क्रीम देखो बाउल में निकाल दी हूँ। उसके बाद मैं डालूँगी ये मिल्की मिस्ट का ही है कंडेंस मिल्क 200 ग्राम। मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, अगर आप लोगों को नहीं डालना है ना तो आप लोग पाउडर शुगर भी डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा लगता है, मगर मिल्क में डालने से और टेस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, पूरा डब्बा मैं 200 ग्राम का डाल रही हूँ। अभी क्या, अब क्या करेंगे, क्रीम और ये कंडेंस मिल्क को हम अच्छे से फेंट लेंगे, स्मूथ बना लेंगे दोनों को फेंट के। तो यहाँ पर मैंने क्रीम और कंडेंस मिल्क को अच्छी तरह से फेंट ली हूँ। चलिए अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में ठंडा होने के लिए, जब तक हम जो सीताफल है उसका पल्प निकाल लेते। तो ये मैं फ्रिज में रख कर आती हूँ। चलिए अभी क्या करेंगे, सीताफल का पल्प निकालने के लिए इस तरह से एक छलनी ले लेंगे और उसके नीचे हम ये रख देंगे एक बर्तन। अब सीताफल लेके ये देखिए इस तरह से पूरा इसका अंदर से हम ये निकाल के छलनी पे डाल देंगे। इसी तरह से मैं चारों सीताफल को इसी तरह से पल्प निकाल लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चार सीताफल को
पूरा अंदर से निकाल ली हूँ इसका। अब क्या करेंगे, छलनी पे रख के हम इस तरह से ना इसको दबाते जाएंगे ताकि जो पल्प है वो अलग हो जाए और बीज अलग हो जाए। इस तरह से ना दबाएंगे तो अलग हो जाती है आराम से, छलनी पे रख के करना तो बहुत इजीली बीज भी अलग हो जाएगी और पल्प भी अलग हो जाएगा। तो मैं पूरा करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने विस्कर से इस तरह से दबा दबा के सारा पल्प अलग कर लिया और बीज अलग कर दी। ये देखिए पल्प इसके नीचे आ गया है और ये जो बीज है ना, ये आप देख सकते हैं, ये सब ऊपर आ गई है। तो ये बीज को मैं निकाल के अलग कर लेती हूँ, ठीक है, सब निकाल के फिर दिखाती हूँ। बहुत तो आसानी से विस्कर से ही दबाते जाएंगे ना तो पल्प और बीज अलग हो जाते। चलिए ये निकाल के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने सारे बीज निकाल के अलग कर दी हूँ और ये इसका है पल्प। ये पल्प को क्या करेंगे हम, इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। देखिए बनाना बहुत इजी है सीताफल क्रीम, कोई हार्ड नहीं है। सिर्फ क्या है ना, ये बीज निकालना एक टास्क है, तो बीज निकालने थोड़ा टाइम लगता है, बाकी खाने में तो बहुत एक नंबर लगता है ना। सेवन सैफान को बहुत फल मीठा मैं तो मेहनत का फल मीठा होता है। सुने सैफान की जबान, अभी आया स्कूल से पेपर दे के, तो सैफान से पूछते पेपर कैसा गया। सैफान बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, उसका फेवरेट पेपर था ना मैथ्स का पेपर, तो बहुत अच्छा गया। चलो अभी मेरा ये पल्प भी निकाल कर हो गया है। अब क्या करेंगे, हमने जो क्रीम बना के रखे थे ना ठंडी होने के लिए, ये उसमें मिक्स कर देते हैं, ठीक है। देखिए पल्प देखिए मेरा कितना निकला है, चार सीताफल का। चलो अभी क्रीम मिक्स करके दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर हमारी जो क्रीम है वो भी ठंडी हो गई है और पल्प भी निकल गया है। अबे दोनों को हम डाल के मिक्स कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इस तरह से पूरा पल्प अच्छी तरह से डाल देंगे क्रीम के अंदर। चलिए अभी इस सीताफल को हम क्रीम में मिक्स कर देते अच्छी तरह से। इस तरह की ना सीताफल क्रीम आप लोग बना के, आप लोग के यहाँ कोई गेस्ट आने वाले रहेंगे तभी बना के खिलाइए डेजर्ट में, तो बहुत अच्छा लगेगा और बच्चों या बड़े सबको पसंद आती है। और बाहर तो आप लोग खाते ही होंगे और हाजली वगैरह में भी खाते हैं, देखो बहुत महंगी मिलती है। तो घर में आप लोग बस इजीली बना के रेडी कर सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनती है। ये देखिए मैंने मिक्स कर दी पल्प को अच्छी तरह से, इसका टेक्स्चर ही आप लोग देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है ना। अब इसके ऊपर से जाएगा ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट अपने पसंद से आप लोग डाल सकते हैं जो आपको चाहिए। ये देखिए माशाल्लाह, तो ये हमारा बनके रेडी हो चुका है सीताफल क्रीम। तो कैसे लगी आप लोगों को मेरी ये सीताफल क्रीम की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करके खाना, और ट्राई करेंगे बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस तरह से बनी है, ठीक है। अभी मेरे शौहर आएंगे क्योंकि अभी गए वो काम से अपने बेटे को लेकर, आएंगे हसन को लेकर, तब फिर हम लोग सब मिलकर खाएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह हम लोग सब बैठ गए पूरी फैमिली ये डिज़र्ट खाने के लिए, जैसा कि मैंने बनाई सीताफल क्रीम। और मेरे शौहर का वेट कर रही थी कि कब आएंगे वो, फिर हम सब मिलके साथ में खाएंगे। जब से फोन पे मुझे आफरीन ने बताई है कि ये डिश बन के रेडी हो चुकी है सीताफल की, तो हमारा ठीक है जितना जल्दी हो उतना आता हूँ, फटाफट काम पड़ा है, दुकान बंद किए, खाना खाए, खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए तो प्याली व्याली लेके एकदम रेडी बैठा हूँ, जितना जल्दी देगी उतना जल्दी खाऊंगा। और देखने में इतनी प्यारी लग रही है, खाने में इतनी अच्छी हुई है, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत ही अच्छी लगती है। इस तरह का डेजर्ट बना के खाएंगे ना, आइसक्रीम भूल जाएंगे जब ये बना के खाएंगे। ओ, 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 क्या बात है, क्या बात है। आइए आइए आइए, आप लोग भी आइए फटाफट खाने के लिए। तुम सबको निकालो, सबके लिए निकाल दे। तो मैं पहला टेस्ट कर लेता हूँ, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ ये देखिए, ओह क्या बात है, ऐसा है, क्या बात है, इतनी तारीफ करूं काम, मुंह में डालते पूरा मुंह भर जा रहा है। हाँ
और मुंह में जल्दी खत्म भी नहीं हो रहा है, मुंह में ऐसा क्रीमी घूम रहा है। सैफान को देखकर आ नहीं जा रहा है। जितनी तारीफ करो उतनी कम। चलो बहुत बहुत टेस्टी। सब बच्चों को दे दूं खाने के लिए। क्या बात है। चलो फिर अभी हम सब खा के आप लोगों से फिर मिलते हैं। खा के फिर आपसे मुलाकात। अभी आया नहीं जा रहा है। चलो खाते। बस बस बाबू ये देखो इतना बेहतरीन इतना टेस्टी बनाई थी नावरी ने कि मतलब चाट पोच के खाया हम लोग ने सबने कटोरी चाट ली है। ऐसा लग रहा है और इसमें निकलते हैं और खाते जावे क्या खत्म हो गया। चमका दिया हम लोग एकदम मस्त में दोनों का टेंशन खत्म हो गया। तो वाकई में कसम से बोल रहा हूँ बहुत 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 टेस्टी बना था। इतनी तारीफ करो का एक बार ऐसा बनाओ आप लोग दीवाने हो जाएंगे अरे आइटम खा के। सही बात है। बहुत बहुत इतना पूरा परिवार खुश होगा आपको दुआ देगा और आपको भी हमको भी दुआ मिलेगी। सही बात है। बनाओ खुद भी खाओ अपने मेहमानों को भी खिलाओ है ना। चलो चलो बहुत अच्छा लगा। तो फिर ये वीडियो एपेंड कर देते अभी चलो क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें डिमांड भी दिखाए है और हमारा रूटीन भी दिखाया रेसिपी भी दिखाए। आप लोग कैसी लगी हमारी दिन भर का रूटीन और हमारी सीताफल क्रीम की रेसिपी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चैनल पे नए हो तो यहाँ से सब्सक्राइब करो। आप लोग कमेंट करते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। जो बुरा बोलता है तो बुरा बोलता ही है लेकिन आप लोग जो अच्छा बोलते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कमेंट करो हमारी वीडियो को आगे शेयर करो लाइक करो ताकि दूसरे वीडियो जो देखेगा हमारा वीडियो उसका इसका फायदा होना चाहिए। सही बात है। वो खाना बनाना सीख जाए ऐसे अच्छे प्यारे प्यारे डिश बनाना सीख जाए है क्या नहीं। याद से शेयर करो। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जब तक ये दुआ में याद रखना और आप फिल्म की इंस्टाग्राम आईडी का नाम है अरफान भाई। चिक्की खाते बेटा चिक्की अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखना। बाय अल्लाह हाफिज़।